हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग। और ये ब्लाउज का कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग नहीं देखे है तो जाके देख सकती है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी ये ब्लाउज का, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए। और जो मैंने कटिंग किया था ये ब्लाउज, और उसका अस्तर का कपड़ा भी है और मेन फैब्रिक भी है, तो जो मेन फैब्रिक है अस्तर के कपड़ा से थोड़ा बड़ा रखा, क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होता है इसलिए। और ये आप लोग देख सकती हो, एक एक पार्ट आप लोगों को दिखाया है, अभी मैं सिलाऊंगी। और सिलाने से पहले एक एक पार्ट को ऐसे बैठा के देख के उसके बाद सिलना चाहिए, नहीं तो ये पार्ट उल्टा पुल्टा हो जाती है, उसके बाद खुलना पड़ता है और भी प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोग देखते रहिए मैं कैसे सिलती हूँ, एक एक पार्ट कंचा पहले सिलाती हूँ और कंचा बाद में सिलाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप लोग देखने के लिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। और एक पार्ट कंप्लीट हो गया सिलाना, अभी नेक्स्ट पार्ट सिलाऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में इस साइड से सिलाना है, इस साइड से सिलाने से कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप लोग चाहे तो दूसरे साइड से भी सिला सकती है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फैब्रिक भी मैं काट कर लूँगी, सारे पार्ट सिलाने कंप्लीट होने के बाद काट कर लूँगी। तो दोनों पार्ट सिलाना कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट सिलाऊंगी। दोनों पार्टों को ऐसे बैठा के देख के चेक करके उसके बाद सिलाना चाहिए। ये कम साइड है तो ऐसे देख के उसके बाद सिलाना है, तो इस साइड से मैं अभी सिलाना स्टार्ट करती हूँ।
ब्लाउज का बैक पार्ट सिलाना हो गया, अभी सिलाऊंगी जो स्लीव है स्लीव। तो स्लीव को सिलाने से पहले दोनों स्लीव को एक साथ रख के उसके बाद जो फ्रंट साइड का पार्ट है वो फ्रंट साइड में और बैक साइड का पार्ट बैक साइड में एक साथ बैठा के चेक करके उसके बाद सिलाना चाहिए स्लीव। सारे पार्ट हो गए सिलाना, अभी एक एक करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर लूँगी सारे पार्ट से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना हो गया, अभी सिलाऊंगी। तो अभी फर्स्ट में मैं कटोरी सिलाऊंगी, तो ऐसे दोनों को एक साथ करके तो हाफ इंच रख के उसके बाद सिलाना चाहिए। अभी जो कटोरी है कटोरी का दोनों पार्ट को एक साथ करके उसके बाद टेकन दूंगी, तो टेकन भी हाफ इंच तक दूंगी और लंबाई उसके ऊपर तक। तो देना हो गया, अभी और एक सिलाई कर दूंगी इसके ऊपर, क्योंकि दो सिलाई देना चाहिए, एक सिलाई देंगे तो कभी कभी ये सिलाई टूट भी सकता है इसलिए।
तो टेकन देने के बाद और एक सिलाई लगा देना है, तभी जाके कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। अभी आप लोग देख सकते हो कटोरी कितना अच्छा आए हैं, बहुत ही खूबसूरत आई है कटोरी। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट सिलाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट को भी देख के उसके बाद सिलाना चाहिए। जो पार्ट कम है वो फ्रंट की तरफ और ज़्यादा पार्ट पीछे की तरफ देना चाहिए। और मैं एक मार्किंग कर रही हूँ हाफ इंच तक, इतने तक आप लोग सिलाई करना है। तो दोनों पार्ट एक साथ जुड़ के ऐसे करके हाफ इंच के रख के उसके बाद सिलाना चाहिए। अभी जो कटोरी का मतलब टेकन देना है तो दोनों एक साथ जॉइन है ना, जॉइन को एक साथ रखते हुए उसके बाद कटोरी का मतलब टेकन का मार्क करना है। जो टेकन है वो टेकन का मार्क कर लिया हाफ इंच नीचे से ऊपर तक, थोड़ा कम तो ऊपर तक मैंने सिलाई कर लिया। उसके बाद उसको उल्टा करके और एक सिलाई डालना है। जैसे मार्किंग कर रही हूँ इसके ऊपर और एक सिलाई डालना है। सिलाई डालना हो गया। अभी आप लोग देख सकते हो कटोरी कितना खूबसूरत आई है, मतलब बहुत ही अच्छा आई है कटोरी का शेप। अभी नेक्स्ट पार्ट के साथ सिलाऊंगी। तो आप लोग देख सकती हो अभी जो ऊपर से मैं सिलाना स्टार्ट करूँगी, एक पार्ट ऊपर से और एक पार्ट नीचे से सिलाना चाहिए, तभी जाके कटोरी का शेप और भी अच्छा आएगा और कपड़े भी इधर उधर नहीं जाएगा। और धीरे धीरे करके सिलाते जाना है, स्पीड करेंगे तो कपड़ा कभी भी खराब हो सकते है इसलिए। और आप लोगों को ये ब्लाउज का स्टिचिंग के बारे में, कटिंग के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकती है। आप लोगों की कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगी। तो अभी नीचे का जो बेल्ट है बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट के लिए दोनों को एक साथ रखते हुए साइड से मैं सिलाते जाऊंगी। अभी जो बेल्ट है तो बेल्ट के ऊपर और एक सिलाई डाल दूंगी, बेल्ट के ऊपर डालना है। और भी अच्छे देखने के लिए और एक सिलाई डाल दूंगी बेल्ट में, बेल्ट में दो दो सिलाई डालना है ऊपर। अभी मैं नेक्स्ट कटोरी ज्वाइन करूंगी उसके साथ। तो नेक्स्ट कटोरी जब ज्वाइन करेंगे तब नीचे से ज्वाइन करूंगी। तो फर्स्ट कटोरी में ऊपर से ज्वाइन किया था, अभी नेक्स्ट कटोरी नीचे से ज्वाइन करूंगी। और जो फर्स्ट पार्ट जैसे सिलाई किया था बेल्ट, तो नेक्स्ट पार्ट भी वैसे ही सिलाई किया। आप लोग देख सकती हो कितनी अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही अच्छी आई है उसका फिनिशिंग, और कटोरी का शेप भी बहुत ही अच्छी आई है। अभी जो मैंने 2 इंच का ऐसे छोटा छोटा करके पीस कर लिया,
तो उसके नीचे अटैच कर लूंगी ये छोटा छोटा पीस। अभी जो छोटा टुकड़ा लगाया था तो उसके सिलाना हो गया, और उसको उल्टा करके और एक सिलाई डालना है। मेन ब्लाउज में नहीं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसमें सिलाई करना है। अभी उसको फोल्ड करके और एक सिलाई डाल देना है। और दोनों पार्ट में लगाना हो गया, आप लोग देख सकती हो दोनों कितना अच्छे से फिनिशिंग से हो गया। अभी जो बैक नेक है उसको सिलाऊंगी। बैक नेक तो बैक नेक को ऐसे फोल्ड कर लिया और उसके बाद टेकन दूंगी, जो बैक नेक की टेकन है ना टेकन के लिए। तो बैक नेक का टेकन फोर फोल्ड करके 2 इंच रख के, मतलब 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था तो उसको छोड़ के उसके बाद टेकन देना है हाफ इंच करके, और उसके लंबाई 5 इंच तक। टेकन का लंबाई मैंने दिया है 5 इंच, और नीचे से मैंने रखा 1/2 इंच, और ऊपर से थोड़ा कम करके आएगा टेकन। तो एक टेकन देना हो गया, अभी नेक्स्ट टेकन दूंगी। तो टेकन कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकती हैं। अभी मैं जो नीचे कपड़ा लगाऊंगी, नीचे फिनिशिंग देने के लिए छोटा छोटा पीस कर लिया था 1 इंच का। यह पीस 1 इंच का है, अस्तर की कपड़ा है ये, तो छोटा छोटा था तो उसको ही मैं नीचे लगा दिया। तो सिलाना हो गया नीचे। अभी उसको उल्टा करके जो अस्तर के पीस सिलाई किया था ना, तो उस पीस में सिलाई करना है, ब्लाउज में नहीं, ब्लाउज का फैब्रिक में नहीं, अस्तर के फैब्रिक में लगाना है। उसके बाद उसको फोल्ड करके और एक सिलाई डाल देना है, तभी जाके ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग ऐसे एक बार ज़रूर ब्लाउज सिला के ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा आएगा फिनिशिंग। और ये ब्लाउज का कटिंग का वीडियो भी मैं अपलोड किया है मेरे चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकती है। जो ये पीस है तो ये पीस में जो नेक में भी लगाऊंगी, तो नेक में छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक में लगाऊंगी, क्योंकि सीधा करके लगाने से जो उल्टा होंगी ना तभी ब्लाउज मतलब अच्छा नहीं आएगा, उसका शेप जो गले का शेप है उसको अच्छा नहीं आएगा, इसलिए छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैं सिला के जा रही हूँ। तो सिलाना हो गया, अभी उसको उल्टा करके और एक सिलाई डाल दूंगी। अस्तर के फैब्रिक में डालना है ये सिलाई, मेन जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसमें नहीं। तो सिलाई डालना हो गया, अभी उसको उल्टा करके फोल्ड करके और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने छोटा करके फोल्ड कर लिया, उसके बाद और एक सिलाई डाल दूंगी। और आप लोग देख सकते हो नेक भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया। अभी जो पहले का पार्ट है तो उसको हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए एक मैंने 5 इंच का ये फैब्रिक ले लिया, मेन फैब्रिक 5 इंच का।
जो मैंने 5 इंच का ये मेन फैब्रिक लिया है, तो मेन फैब्रिक 5 इंच का वो लेफ्ट साइड में लगा रही हूँ ब्लाउज के पार्ट उल्टा करके। इसमें जो ब्लाउज का हुक है, हुक का घर होगा, इसलिए उल्टा करके लगाया था। तो उसको फोल्ड करके और एक सिलाई डाल दूंगी। ये है लेफ्ट साइड का पार्ट। तो लेफ्ट साइड का पार्ट ऐसे लगाना है हुक पट्टी। और तो एक सिलाई डाल दिया था, उसके बाद और एक सिलाई डाल दूंगी। तो हो गया पट्टी लगाना, हुक पट्टी। अभी जो राइट साइड है उसमें लगाऊंगी हुक पट्टी। तो राइट साइड के लिए मैंने ये फैब्रिक 2 इंच का फैब्रिक लिया है। राइट साइड के लिए 2 इंच का फैब्रिक अभी सीधा करके लगाते जाऊंगी। उसके बाद जो जॉइन है, जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालूंगी, क्योंकि उसको उल्टा करके फोल्ड करना है इसलिए। और जो राइट साइड का हुक पट्टी है वो सीधा करके लगाना चाहिए। और जो लेफ्ट साइड का है वो मैंने उल्टा करके लगाया था। आप लोग ध्यान से देख के उसके बाद सिलना। अभी मेन फैब्रिक के ऊपर और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको उल्टा करके फोल्ड करके सिलाऊंगी। आप लोग देख सकते हो मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला था, क्योंकि जो कटोरी का है ना, कटोरी का शेप खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने छोटा सा एक प्लेट डाला था। तो आप लोग भी ऐसे छोटा सा प्लेट डालना है। तो आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया। अभी मैं लगाऊंगी नेक में, नेक का फिनिशिंग देने के लिए नेक में कपड़े लगाऊंगी। तो एक इंच का छोटा पीस ले लिया था, तो उसको मैं भी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाते जाऊंगी। सिलाना हो गया, अभी छोटा छोटा करके काट डालूंगी, क्योंकि उल्टाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसलिए। तो उसके ऊपर जो मैंने कपड़ा लिया था उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूंगी। उसको फोल्ड करके एक सिलाई डाल दूंगी फिनिशिंग के लिए। तो नेक में लगाना हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी नेक में वैसे लगा लूंगी जैसे पहले लगाया था। तो आप लोग देख सकते हो, तो कभी कभी चेक भी कर लेना है, चेक करके उसके बाद सिलाना है। तो ऐसे एक इंच का मैंने छोटा पीस ले लिया, उसके बाद छोटा छोटा पेल्ट डालते हुए उसी की तरह मैं सिलाते जाऊंगी। तो दोनों पार्ट में लगा लिया। आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग कितना अच्छी आई है, दोनों पार्ट एक साथ बराबर हुआ है, कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है, दोनों पार्ट एक जैसा हुआ है। अभी मैं शोल्डर सिलाऊंगी, दोनों पार्ट एक साथ करके शोल्डर सिलाऊंगी। अभी एक शोल्डर सिलाना हो गया, अभी नेक्स्ट शोल्डर। अभी साइड से एक सिलाई कर लूंगी,
ये फिनिशिंग का सिलाई नहीं है, ऐसे ही मैंने एक एक सिलाई करके रख दूंगी। स्लिप लगाने के बाद उसके बाद जो फिटिंग की सिलाई है वो डालूंगी। तो डालना हो गया। अभी आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट साइड है उस साइड में मैंने ज़्यादा काटा है आर्म होल, और ये आप लोग देख सकते हो स्लीव फ्रंट साइड में ज़्यादा काट किया। तो अभी ज़्यादा जैसे काट किया वैसे ही अटैच करूँगी। तो स्लीव ज़्यादा काट किया वो फ्रंट साइड में लगाऊंगी। तो स्लीव को मिडिल से लगाना है, साइड से लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा हो सकती है। लेकिन जो लोग बिगेनर से मतलब न्यू नहीं है, सिलाई नहीं आते हैं, वो लोग हमेशा शोल्डर से लगाना है। स्लीव को दोनों को एक साथ करके छोटा काट करके उसके बाद जो शोल्डर के मिडिल है तो मिडिल से लगाना है, तभी जाके स्लीव बहुत ही अच्छा तरह से अटैच हो जाएगा और सिलाना भी बहुत ही अच्छा होगा। और कभी कभी होती है ना, जो न्यू लोग होती है स्लीव पहले फर्स्ट से सिलाने से एक साइड से सिलाने से कभी जाके छोटा बड़ा हो जाती है स्लीव, इसलिए मैंने बोला जो मिडिल से लगाने से स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। कभी भी बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा कट करके भी सही कर सकती है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्लीव पूरा बराबर आई है, छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया, एक स्लीव लगाना हो गया, अभी नेक्स्ट स्लीव लगाऊंगी। तो नेक्स्ट स्लीव भी दोनों एक साथ करके मिडिल में एक छोटा सा काट कर लूंगी। जिधर मैंने काट किया वो फ्रंट साइड में ऐसे करके, जो फ्रंट साइड में स्लीव ज़्यादा काट किया था ना, तो फ्रंट ज़्यादा काट किया स्लीव के पार्ट फ्रंट साइड में लगाऊंगी और शोल्डर की मिडिल से सिलाने का स्टार्ट करूंगी। और स्लीव भी धीरे धीरे सिलना है, स्पीड नहीं, स्पीड करने से स्लीव लगाना उल्टा पुल्टा भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, इसलिए। ऐसे एक एक पार्ट करके सिलाना है। आप लोग स्लीव ऐसे जरूर लगा के ट्राई करना। ऐसे सिलाने से स्लीव का जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी भी मतलब स्लीव छोटा पड़ गया तो खुल के बड़ा भी कर सकती है, साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया था ना, इसलिए अभी मैं जो फिटिंग है फिटिंग की सिलाई करूँगी। तो फिटिंग के लिए मेरा जो स्लीव मुहूरी है स्लीव का वो मैंने लिया था 9 इंच। तो आप लोग देख सकते हो मैंने साइड से जो मार्किंग किया था वो थोड़ा थोड़ा है मार्किंग, और भी थोड़ा मार्किंग कर लिया। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो एक साइड हो गया, अभी नेक्स्ट साइड में सिलाई कर लूँगी। जो 2 इंच एक्स्ट्रा था ना, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, नहीं तो जो कपड़ा है उसके उससे छोटा छोटा ऐसे धागा निकल जाती है तो देखने में बहुत ही ख़राब लगता है, इसलिए। तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया था वो ऐसे फोल्ड करके मैं सिलाई कर दूँगी, तो देखने में ब्लाउज बहुत ही अच्छा आएगा फिनिशिंग।
अभी आप लोग देख सकते हो ब्लाउज का फिनिशिंग कितना अच्छी आई है, और मैंने हुक भी लगा लिया है और उसका कोटोरी भी बहुत ही अच्छा आई है। तो आप लोग ये ब्लाउज का जो कटिंग है, कटिंग का वीडियो जरूर देखिए। और ये है बैक साइड, बैक साइड का भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है और फ्रंट साइड का भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है और उसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग ये ब्लाउज एक बार जरूर ट्राई करना। और मैंने जो कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया है, ये इसी ब्लाउज का कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग जाके जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।